नमस्कार, आज जानेंगे बिहार की बड़ी खबरें को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही आप बिहार के जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट करें ताकि हम आपके जिले की भी न्यूज को आपको बता सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं अच्छी लगी पटना के लोगों की यह चूक, तुरंत ट्वीट कर किया सतर्क। बिहार में अप्रैल से बढ़े कोरोना के मामले जून महीने के काबू हो गए हैं, ऐसे में 8 जून से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, राज्य अब अनलॉक की ओर बढ़ गया है। संक्रमण को देखते हुए सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही दुकानें को खोलने की इजाज़त दी गई है, वही शाम 7 बजे सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। 8 जून को लॉकडाउन खत्म करते हुए नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा था कि अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। गुरुवार को नीतीश पटना के भ्रमण को निकले तो उन्होंने फिर लापरवाही देखी, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। चलती ट्रेन के शौचालय में प्रेमी ने रचाई शादी, महिला की मांग में भरा सिंदूर। बिहार के भागलपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जो काफी हैरान करने वाली है। चलती ट्रेन के शौचालय में एक अदृश्य नाराज देखने को मिला। दरअसल एक प्रेमी ने चलती ट्रेन के शौचालय में शादीशुदा महिला की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना बना लिया। इस घटना की तस्वीर और वीडियो लगातार इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। इस अनदेखी शादी को गवाह बने यात्रियों के दोनों को बधाई दी गई। मुजफ्फरपुर में मोबाइल छीनने में इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा का छात्र गिरफ्तार, मोबाइल और बाइक जब्त। जिले के सदर थाने की पुलिस ने खबड़ा इलाके में छापेमारी पर मोबाइल छीनतई करने वाले गिरोह के एक शातिर को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान ऋतिक राज के रूम पे हुई, वह इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा का छात्र बताया गया है। उसके पास से छिनतई का मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में खबड़ा इलाके में मोबाइल से बातचीत कर घर जा रहे एक राहगीर का मोबाइल बाइक सवार बदमाशों ने छीन लिया था। झारखंड से बिहार पहुंची बारात, मंडप की जगह थाने में धरने पर बैठा दूल्हा। लड़के पक्ष वालों का शक बना शादी में बाधा, लड़का शादी करने के बजाय बारात लेकर पहुंच गया थाना। इतना ही नहीं, इस दौरान बाराती पक्ष और सराती पक्ष में जमकर मारपीट भी हो गई। इसमें दोनों पक्ष की ओर से कुछ लोग घायल भी हो गए और मामला इतना बढ़ गया कि दूल्हा खुद बारातियों को साथ लेकर न्याय के लिए थाने पहुंच गया। यह मामला चकाई थाना क्षेत्र के महराइडी गाँव स्थित ऊपर टोला की है। दरअसल गुरुवार की देर रात झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत राजधनवार ऊपरली टोला से दूल्हा विकास राय और उसके साथी करीब 22 बाराती बारात लेकर चकाई थाना क्षेत्र के मराडी स्थित ऊपरी टोला के एक परिवार में आए। नाबालिग लड़की का अपहरण, बेहोश कर चार लड़कों ने बारी बारी से किया गंदा काम। बिहार में लड़कियों के खिलाफ छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजमहल सिवान जिले का है, अंसवा थाना के एक गांव में बुधवार की दोपहर एक नाबालिग लड़की के साथ गांव और आसपास के चार लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म बर्ताव के अंजाम दिए। पश्चिम चंपारण में 335 बियर के साथ महिला सहित दो गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच। सिरिसिया ओपी पुलिस ने बेतिया में वाहन जांच के दौरान शराब लदे लोबेरो को जब्त कर महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अंतर्गत रामकोला थाना क्षेत्र के पगार छपरा निवासी अजरुद्दीन सिद्दीकी उर्फ शाहरुख तथा आमकोला थाना के ही पगार सिसुआ निवासी मौसमी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 167 लीटर 500 मिलीलीटर विदेशी शराब बिना नंबर की बोलेरा गाड़ी जब्त की गई है। कैमूर में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने खोला था सामुदायिक किचन, 78,156 लोगों की
मिट्टी भूख। कोरोना काल के दूसरे चरण के संक्रमण की दर को रोकने के लिए सरकार ने 5 जून से लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन अवधि में बेरोजगार हुए तथा गरीब और मजदूर की भूख मिटाने के लिए सरकार के निर्देश के बाद आपदा विभाग की देखरेख में भभुआ जिला मुख्यालय सहित सभी अंचलों में सामुदायिक किचन का संचालन शुरू किया गया। भाजपा और मांझी ने बयानों के बीच मुकेश सहनी कट्यूट एनडीओ को याद दिला पुराना वादा। पक्ष विपक्ष को छोड़कर बिहार की राजनीति अपनों में ही सिमट गई है। बिहार एनडीए में साथी पार्टियों को आसपास में एक दूसरे के विचार पसंद नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चों की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। गुरुवार को एक बार फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। इशारों में मांझी ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिया। इस पर विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने भी अपनी राय रखी।